मेरी गाड़ी के एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो हमारी गाड़ी में एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कूलिंग बहुत ही कम कर रही है गाड़ी। तो टाटा शोरूम में मैं पहुँचने वाला हूँ। शोरूम में पहुँच गया मैं और अभी गैराज में लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पर सबीर भाई और विकास जी इसका क्या सोल्यूशन करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी गाड़ी के एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो अभी देखते हैं कंपनी में क्या कुछ चेंजेस करते हैं, इसमें फिल्टर की सफाई करते हैं या फिल्टर चेंज करते हैं। तो अभी जो है एक नंबर पे चल रहा है, एसी की कूलिंग सही है लेकिन एयर फ्लो जो है वो कम है। टू पे किया तो कूलिंग तो सही आ रही है लेकिन एयर फ्लो जो है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट लग रही है। तो अभी ये थ्री पे किया हमने, थ्री पॉइंट पे, और देख सकते हैं आप अब कितना चेंज आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये किया, पूरा फ्लो है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे चेहरे पर महसूस हो रहा है कि एसी चल रहा है लेकिन एयर प्रेशर जो पहले था और अब है उसमें उसके फ्लो में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या चेंज करते हैं और उसके बाद हमें पता लगेगा कि कितना वर्क करता है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, इसमें इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, गाड़ी का जो है एसी फिल्टर साफ हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे मैंने जो है एसी ऑन कर रखा है और बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग आ रही है। अभी इस मौसम में एक पॉइंट की कूलिंग पर ही मुझे ठंड महसूस हो रही है। और ये देख सकते हैं, टू पॉइंट पे करने पर तो भाई मेरे चेहरे पर जो पहले चार पॉइंट पे करने पर मुझे फेस पर हवा हल्की हल्की महसूस हो रही थी और अभी जो है ज़बरदस्त हवा लग रही है फेस के ऊपर और बहुत ही कूल कर दिया है गाड़ी को। कैबिन बिल्कुल कूल हो गया है टू पॉइंट पर भी। मेरे चेहरे पर हवा लग रही है और मुझे जो है थोड़ा थोड़ा जुखाम सा हो रहा है क्योंकि कूलिंग इतनी हो गई है गाड़ी में ज़बरदस्त। अभी मौसम ठंडा है तो आज थोड़ी देर पहले तक जो है मुझे पसीने आ रहे थे गाड़ी में। तो मैंने वहाँ बात की कस्टमर केयर पे, यहाँ पे टाटा सर्विस स्टेशन पे बात की तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी को ले आइए, आपकी गाड़ी के फिल्टर साफ़ कर देंगे, ठीक हो जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह से कोई दिक्कत आती है तो आपको जाकर जस्ट एयर फिल्टर जो है वो क्लीन कराना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।